हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग एसके में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज है तनिया बेटी का मुझुट्टी यानी कि अन्नप्रसन्न। तो सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करते हैं। बेटी को ले गए थे मंदिर, अरे देखिए मंदिर के बाहर से निकलते ही कुछ इस तरह से उसको सजाई है उसकी मम्मी, और देखिए कैसा लग रही है देखने में। और ये घर में कुछ सजावट किए हैं, उसको वहाँ पर बिठा के अभी अन्नप्रसन्न जो अन्न खिलाया जाता है ये उसकी तैयारी देखिए थाली में सजाया गया है, और इसी उसके लिए खीर बनाया गया है। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे क्या करते हैं हम लोग अन्नप्रसन्न में। सिंपल सा अन्नप्रसन्न करते हैं, उतना कोई ज़ोरदार धमाकेदार नहीं होता हम लोग के यहाँ। देखिए गिलास में पानी है, खीर है, धान है, चावल है और दुर्वा घास है। और ये देखिए सीनू बाबा, उसका बड़ा भाई, उसको खिला रहा है खीर। ये देखिए कैसे खीर खा के उसका एक्सप्रेशन देखिए तनिया बेटी का, जिसको मैं प्यार से मौसी बोलती हूँ, कुछ की मौसी। और ये देखिए एक बार खिला दिया, दो बार खाने के लिए खुद से वो खींच के ला रही कि हमको खिला हमको खिला, इतना खाने के लिए उतना उत्सुक रहती है। कुछ भी पकड़ा दो तो खाने के लिए एकदम पहले आगे आ जाएगी कि हम खाएं खाएँ कुछ भी हो। उसका मम्मी भी खिला दे रही है, उसके बाद एक एक करके फिर देखिए और कौन कौन आता है खिलाने के लिए। थोड़ा सा खीर, थोड़ा सा पानी, पानी तो नहीं पीने सकेगी लेकिन नियम भर का कुछ खाली मुँह में गिलास उसको सटा देना है। खीर भी खाई, पानी भी पी ली, और इसके बाद देखिए एक एक करके मैं आ गया हूँ, अब मेरी बारी है। मैंने भी थोड़ा सा उसको खीर खिलाया और थोड़ा पानी भी पिलाया, और उसके बाद और देखिए कौन कौन आता है। बहुत ही उसको मज़ा आ रहा था, क्योंकि इससे पहले तो अगर उसको गोदी भी लो तो उंगली खाने लग जाती थी, अपना उंगली या तो कोई जो गोदी लेगा उसका उंगली खाने लगती थी। इसीलिए जब इसको खीर मिला मीठा मीठा तो उसको अलग ही मज़ा आ रहा है खाने में। इसीलिए वो पूरा हाथ सटा देने से पूरा हाथ टान के ले आ रही है अपने पास, कुछ भी ले जाओ। अब देखिए आ गया है छुटकू, वो भी खिला दे रहा है। ये देखिए कितना मज़ा से खा रही है, जैसे कितना खा लेगी, एकदम भुक्कड़ जैसा है। कुछ भी उसके सामने रख दो तो पहले अपने मुँह में डाल देगा, पहले ही खा लेगा वो। तो चलिए आगे दिखाते हैं, ये उसका नानी है। अब उसका नानी का बारी, नानी उसको खिला रही है, उसको खूब मज़ा आ रहा है खाने में, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो दूसरा बच्चे जैसा रोता है, इसका रोने का कोई सीन नहीं, खाने में एकदम पहले आगे रहेगी। कुछ भी खिला दो तुरंत मुंह खोल लेगी, जीभ निकाल लेगी खाने के लिए। तो चलिए अभी खाने का सिलसिला लगभग ख़त्म हो गया है, अब देखते हैं ये क्या पकड़ती है। इसमें धान है, आरवा चावल है और दुर्वा घास है, एक कॉफी है, एक पेन है, पानी है। तो ये देखिए सबसे पहले पानी का गिलास गिरा दी, पकड़ने के चक्कर में सब पानी पानी कर दी रही है। अब देखते हैं इसके बाद में और क्या पकड़ती है। इसमें बहुत सारा है, धान है, चावल है, दुर्वगा से पेन है और कॉपी है। तो चलिए थोड़ा देर वेट करिए, और आप सबका आशीर्वाद मेरा बेटी को दीजिए। ये देखिए क्या पकड़ती है इसके बाद। इसमें धान उसका सामने रखा है, कॉपी है, कलम है, क्या पकड़ती है। तो बच्चा है, बच्चे को उतने क्या समझ, बैठने भी नहीं सकती है। वैसे तो नियम है कि जब तक बच्चा बैठे नहीं उसका अन्नप्रसन्न नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जब 6 महीना पूरा हो जाता है बस उसी के हिसाब से हम लोग अन्नप्रसन्न करते हैं। देखिए कैसे जीभ निकाल रही है, कुछ भी सामने रख दो तो जीभ निकाल के खाने लगने की लग जाती है। तो चलिए दूसरी बार इसको सामने लाए तो अब क्या पकड़ते हैं। देखिए धान पकड़ी, हाँ धान पकड़ ली है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या पकड़ती है। सामने में धानी है थाली में, तो वही उसको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, धान पकड़ ली। अब देखिए खीर भी पकड़ ली, उसके सामने जो मिला वही उसको पकड़ रही है। उसको तो उतना नहीं है मालूम है क्या है क्या नहीं, लेकिन इसी में मान्यता है कि जो पकड़ लेती है लड़की इस समय में तो उसी में उसका भविष्य अच्छा बनता है। देखिए अभी कलम पकड़ ली, कलम पकड़ने का मतलब है कि किताब और कॉपी कलम पकड़ लेती है तो पढ़ाई लिखाई उसका भविष्य में अच्छा होता है। कोई बोलता है अगर धान पकड़ लेती है तो धान का खेती करेगी, पानी पकड़ लेती है तो पानी उन्हें घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करेगी, ऐसा मान्यता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय।